Assalamu alaikum students, welcome to Funds Academy with lecture number 5.8 Bhavani. Asa hina chapter ke complete kar chuka hu, kuch problems so kede kisma ja kuch dark te problem da kayo, kuch moment of couple mana dark due to couple te kuch equilibrium ja second condition ja problems ye thoda gana ji sakanda misal ani first ta kayo को टार्क जो प्रॉब्लम था कि ठीक है फॉर एग्जांपल और इन फार्मूला दे टार्क इक्वल एफ आर साइन थीटा ओके और फर्स्ट के हो कब ताके एक और स्पिनर ही तस्वीर के ई को स्पिनर आ ये ने जी आर्म ऑफ फोर्स आए तांगा इस तरह पोजीशन वेक्टर में जेंगे चेयर को ओके अन्य जगह ना फर्स्ट के हो इन्हें पानी की बाबा रोटेट कराने लाए फर्स्ट के होता है ना कि मते जोर था लगाए हो अन्य फॉर एग्जांपल फोर्स मिले लाए एफ इज इक्वल तांगे बिले 200 न्यूटन आर्म ऑफ फोर्स पानी की बाह की त्रिया आर इज इक्वल टाइ तांगे बिले तो फर्स्ट के हो 12 सेंटीमीटर माना 0.12 मीटर्स ओके एंगल जेकर न थो दे एंगल न थो दे तो माना एंगल जे का है सा 90 ते आ उमूमन कामन तो दे एंगल 90 ते आई जेकर एंगल दे तो पोए तो आ एंगल भी इस्तेमाल कर दो वा जेकर 90 साइन 90 तो बोल साइन 90 जो वैल्यू 1 ना ही 1 पो गल सागी थी वनी पो ता साइन थीटा लिखो ना लिखो चाहे साइन 90 वन जी बराबर थी तो एड नंबर साइन जेकर ता की एंगल ना है तो पो ता टार्क मैक्सिमम में पैदा थी नो इज इक्वल टू एफ आर माना साइन 90 हुंदो माना अंडरस्टूड गल वन जी बराबर ता बाबा 100 इनटू यानी 0.12 द टार्क इज इक्वल टू 12 न्यूटन इनटू मीटर सिंपल गला तो एड़े किस्म की अरेंजमेंट अची वजे तो पोता वा आई ते आर मोमेंट आर मनार साइन थीटा चवे मोमेंट आर उन दिया सागी थी दियो 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर ओके तो जेकर फर्स्ट के होता है जे मोमेंट आर्म कितनी है तो मोमेंट आर्म 90 डिग्री तेज जेकर फोर्स आ तो मोमेंट आर्म भी आए चाहे कहीं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ हुआ जी को आर्म ऑफ फोर्स आ तो जेकर ता के मोमेंट आर्म चाहे तो पोए आर साइन थीटा या मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टार्क अपॉन फोर्स तो आर साइन थीटा मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टार्क कितना 12 अपान फोर्स के तरह फोर्स है 100 तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0.12 मीटर्स सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो वही इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर सब 800 से मल्टीप्लाई करो फिर सो साग होता है कि मोमेंट आर्म आर्म ऑफ फोर्स साग ही मिला दे ओके तो एड़े किस्म की अरेंजमेंट बता बता आगे जीवन यानी फर्स्ट आगे जेकर असाजी एंगल जेका है असा सिचुएशन मुताबिक जो जोर था लगायो सो इन आर्म ऑफ फोर्स आ 60 डिग्री थे सागे फोर्स आ यानी 100 न्यूटन फोर्स आ प्राणी फोर्स का तो लगे 60 डिग्री थे 60 डिग्री थे फोर्स आ हाने टार्क के तो आ याद रखे जो 60 डिग्री थे फोर्स होंदो पोए जेका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये वे तो मूमेंट आर्म याद रखे 60 डिग्री ते मूमेंट आर्म 60 ते की 30 डिग्री ते जेकर फोर्स 30 जो लगे 60 के छड़ो ये थोड़े स्पेशल केस बाय जेकर फर्स्ट के हो जोर लगाई तो असा बाबा चाहते असा जोर लगे तो क्यों 30 डिग्री और जेकर जोर 30 डिग्री ना लगाई तो ये असा वट स्पिनर ऑफ फर्स्ट स्केल असा जोर था लगाए इन आर्म ऑफ फोर्स आ कितनी एंगल दे 30 एंगल दे सब वही फोर्स है एफ इज इक्वल 100 न्यूटन एक्टिंग एट 30 डिग्री
थर्ड डिग्री ते तो जोर लगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है आई मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस यो जीते बेनो तकरीबन और ही आर साइन थीटा है आर्म ऑफ फोर्स ये है ता सागी आर्म ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फोर्स 100 न्यूटन दा अप्लाई कियो आने दिसो टार्क कितरो पैदा थिंदो आई असरायती बा मूवमेंट आर्म माना पानो तो टोटल 12 सेंटीमीटर है दिसो दा असर कितरी लेंथ दे तो असरायती बा आर साइन के दा या कितरी आ त पेराला नाजी असा टार्क ओके द टार्क इज इक्वल टू एफ आर साइन ऑफ कितरी एंगल 30 डिग्री द टार्क इज इक्वल टू फोर्स कितरो 100 पवा आर कितरी आए 12 सेंटीमीटर माना आर इज इक्वल 0.12 मीटर्स ओके 0.12 मीटर्स इनटू 0.5 साइन 30 0.5 या 1/2 कर सकिया आर्क इज इक्वल टू 12 ही 12 थियो 0.5 या 1/2 कर सकिया इज इक्वल टू 6 न्यूटन इनटू मीटर तो 30 डिग्री ते टार्क भाफ थी विंदो याद रखे चलियो मूवमेंट आर्म भाफ थी विंदी माना तकरीबन जनत ये समझो जनत पाने पाने जो टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर हाँ जन तो तट 6 सेंटीमीटर जो पानो आ जैसे 90 से जोर लगी रहे हाँ सो वरी आर साइन थीटा कितनी माना मूवमेंट आर्म जो चवे तो मूवमेंट आर्म सो टार्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा हाँ मूवमेंट आर्म ये थी वही आर साइन थीटा या हाफ वही बीहंदी 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वही बीहंदी ये लाइन आर साइन थीटा इज इक्वल यानी टार्क अपॉन फोर्स आर साइन थीटा यानी मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू टार्क कितरो पैदा थियो 6 अपॉन फोर्स कितरो बाबा फोर्स है ता 100 त आर साइन थीटा यानी मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू ये छा थियो नी बाबा 0.06 मीटर्स में वैल्यू थियो वनी सेंटीमीटर में छा थिंदो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर अरे पानी की लेंथ 12 सेंटीमीटर ये मूवमेंट आर्म असरायती बा असर वाली बा मूवमेंट आर्म 6 सेंटीमीटर 30 ते जेकर जोर 30 ते लगायो जण त ता अद्ध पाने ते 90 ते जोर ता लगायो जण माना टार्क भाफ थी विंदो प्लस मूवमेंट असरायती बा भाफ थी विंदी तो अड़े नमूने से ये प्रॉब्लम अची सकता है तो इन अड़े किस्म जहाँ प्रॉब्लम यानी फॉर्मूलो लिखी वैल्यूज विझी इनके एक्टिव कहो ये तुझे फायदे में गल याद रखे छो इनके इग्नोर ना करो ओके हाँ अचू था पे जगह को कपल जो प्रॉब्लम है मिसाल हाँ फर्स्ट कहो डबल आर्म स्पिनर कड़े किस्म की अरेंजमेंट आ ज़ाहिरिया हाँ इत फॉर्मूले जो इस्तेमाल टार्क इज इक्वल टू बब फोर्स लगना एक फोर्स बो अपोजिट फोर्स डिफरेंट पॉइंट उनते कपल के जरिए टार्क पैदा थी हाँ टर्निंग फोर्स के एंटी क्लॉक वाइज आ यो पॉजिटिव टार्क पैदा थी ओके एफ डी साइन थीटा हाँ एफ डी साइन थीटा जो अस साइन थीटा ना दूँ तो पक समझो तो 90 ते ही फोर्स है यो जेन में रखो हाँ ऐसो बबा यो डी यो डी यानी पर यानी टोटल लेंथ है या पानी की लेंथ है डी जाहिरी है ये सर्किल में तरह ये तो या जेका ये लाइन है या डायमीटर है उन्हें करे एक्चुअली रोटेशन में ये जगह पानी की लेंथ था या उन दायरे के माना जो सर्कल ठे तो उनको डायामीटर के बराबर थी उन्हें डी से सिंबलाइज कबो रखो हाँ टार्क जो फर्स्ट कह एफ इज इक्वल 100 न्यूटन जाहिर एफ 100 न्यूटन होंगे
पानी जी टोटल लेंथ भी दे सके तो, पानी जी एक आर्म की लेंथ भी दे सके तो, और टोटल लेंथ जी ना पानी जी दिए तो को या डी या माना टोटल लेंथ दिए तो फर्स के पानी जी वी है या फर्स के हो 30 सेंटीमीटर पानी की लेंथ 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर माना 0.30 मीटर्स ओके ताने टार्क ड्यू टू कपल या मूवमेंट ऑफ कपल कितनी दी पैदा थी ता फोर्स को एकड़ो खणबो इज इक्वल 100 इनटू टोटल डी कितरो एंगल बेंगल न थोड़े तो माना पक समझो तो भाई फोर्स 90 ने अप्लाई थी रहा अंडरस्टूड गाला तो पोए 0.30 तो बाबा टार्क इज इक्वल टू 30 न्यूटन इनटू मीटर टार्क ड्यू टू कपल 30 न्यूटन मीटर पैदा थी रहा ओके आई ये करा फर्स्ट के ता के चातो करे पियो जे करे फर्स के हो तो बाबा डबल आर्म स्पिनर हैविंग यने लेंथ ऑफ ईच आर्म एक एक आर्म जी लेंथ फर्स के होता आगे दे तो 15 सेंटीमीटर एक एक आर्म जी लेंथ 15 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ कितनी थी जी वनी कदा कदा अद माना हाफ एक आर्म जी लेंथ दींदा है तो पोता उनके डबल करे लादमी वरी बिट्री थी आई गल समझ में तो अड़े नमूने से तक अड़े किस्म जो कंडीशन पूछी सकता पे पर जो इन केस फर्स के फॉर एग्जाम्पल जो जो एंगल तो दे पो कपल के सिलसिले में तो ही फॉर एग्जाम्पल इतने एंगल तो दे छे माना जो डबल आर्म जो कोई स्पिनर जो यानी एक्सिस जिका होंगी सा लॉन्ग इन लेंथ होंगी हाँ एकड़ो जोर फॉर एग्जांपल ये 45 थे तो दिए 45 डिग्री ते फोर्स अप्लाई थी रहा 45 था मिसाल के लिए 45 थे माना एकड़ो जोर हिया है एकड़ो जोर हिया यो 45 डिग्री ते भाई फोर्स अप्लाई थी रहा आई टोटल लेंथ पानी की जिका ऐसा है माना आर्म ऑफ फोर्स तागा डिस ने या ए फर्स के 40 सेंटीमीटर घनी तो पोए माना या डी या जिका 40 सेंटीमीटर माना या डी जिका है 40 सेंटीमीटर माना 0.40 मीटर्स ओके हाँ एंगल अप्लाई थी हाँ नाउ टार्क इज इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ कितनी एंगल 45 हाँ अस एंगल में इस्तेमाल कहीं तो टार्क इज इक्वल टू फोर्स है को भी एकड़ो फोर्स इस्तेमाल कबो फोर्स ही भी फर्स के 100 न्यूटन आ तो ही भी फोर्स केतरो एफ इज इक्वल टू फोर्स भाई सागा होगा 100 न्यूटन डी केतरो डी आए 0.40 सेंटीमीटर में वैल्यू आने मीटर में कन्वर्ट कबो इंट साइन 45 0.707 ओके तो टार्क इज इक्वल टू ही 40 इंटू 0.707 तो 40 के 0.707 से बाबा मल्टीप्लाई कर 40 इंटू 0.707 यो 28 यानी टार्क इज इक्वल 28.28 न्यूटन इंटू मीटर हाँ यो टार्क पैदा 28.28 न्यूटन मीटर्स ओके पर इतने तक चे तो मूवमेंट आर्म केतरी है माना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बजे के लाइन हो इन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो असर आए थी बाहर असर टोटल पानी की लेंथ तय थी वही 40 सेंटीमीटर पर असर कितनी लेंथ तो थी या लेंथ माना वो असर आए थी बा मूवमेंट आर्म जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हाँ ही आए तो डी साइन थेटा या कितनी आने या डी साइन थेटा अस लासी टार्क ड्यू टू कपल इज इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ थेटा तो डी साइन थेटा तो डी साइन थेटा इज इक्वल टू टार्क अपॉन फोर्स तो डी साइन थेटा मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू टार्क कितो पैदा थे 28.28 ओके तो फोर्स है बाबा 100
एफ इज इक्वल टू यानी 0.2828 मीटर्स सॉरी डी साइन थीटा यानी डी साइन थीटा इज इक्वल टू मीटर्स में मिली थी वही ओके तो सेंटीमीटर में कितना मिली थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू इन केस डिवाइड करना सी बाबा 0.28 तो सेंटीमीटर में मिली थी वही यानी 28.28 सेंटीमीटर्स तो याद रख के चलियो तो दिसो 40 सेंटीमीटर पानी की लेंथ था पर असरायती बाह जेका आहे सा 28.28 सेंटीमीटर सुनी थी या 0.282 मीटर्स गल सकी आ ओके तो यो ज़हन में रखे छो तो अड़ी किस्म की अरेंजमेंट्स मतलब तक अचन तो इन लाइ अच्छा यो रुगो ना है रोटेशन रुगो पाने में ना इन रेंज में ना रोटेशन पुलिस में भी मिसाल तक प्रॉब्लम तो अच्छे अड़े किस्म जो अड़े किस्म जो मिसाल प्रॉब्लम तो अच्छे तुड़ी पुली आने पुली जो बेल्ट चढ़ल आ पुली माना फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच साइड ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू 200 न्यूटन्स इतने भी फोर्स केतरा इज इक्वल 200 न्यूटन्स ओके फोर्स इन तरफ आ फोर्स उन अपोजिट लाजमी आ तक तो दे पुली जो सिर्फ रेडियस तो दे पुली जो रेडियस है फॉर एग्जाम्पल यानी इन व्हील जो रेडियस जो यो फॉर एग्जाम्पल तक दिए तो पो तिए तो पो हाफ मीटर अध मीटर पुली जो रेडियस अध मीटर तो दिए फर्ज के मीटर में मिली सके तो पुली जो डाय इस्तेमाल करो जैसे कि डी चवो इज इक्वल टू योजना टोटल 1 मीटर पो याद रखो ओके टार्क के एंगल न तो दे तो माना ये फोर्स 90 से लगी रहा याद रखे छो माना इन हाँ मूवमेंट आर्म ऑफ कपल आर्म ऑफ फोर्स भी आई है 90 डिग्री से जोर लगी रहा है टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी तो टार्क इज इक्वल टार्क टार्क इज इक्वल फोर्स को भी खो बस इंट डाय के वन तो टार्क इज इक्वल टू 200 न्यूटन इंटू मीटर तो अड़े नमून से अड़े किस्म जो प्रॉब्लम्स जी पॉसिबल वरी उन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ते भी प्रॉब्लम जी पॉसिबल मिसाल सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट के बाबा तवाके जगह चवे तो हाँ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में चाहे सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0 ही करना है हाँ फर्स्ट के हो ये यूनिफॉर्म रॉड इज पिवोटेड एट मिड पॉइंट हाँ इन रॉड की टोटल लेंथ केतरी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो हो फर्स्ट के केतरी है बाबा 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर जो मतलब आए इज इक्वल टू 1 मीटर हाँ इतना तक वेट तो दिए फर्स्ट के तक वेट तो दिए एक बॉडी की वेट सस्पेंड था क्यों इतने डब्ल्यू वन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 80 न्यूटन वेट आ घनी वेट आ बाबा 80 न्यूटन एक्स ऑफ रोटेशन इतने हाँ आर्म ऑफ फोर्स है ये फोर्स आ वेट की सूरत में माना आर्म ऑफ फोर्स फोर्स जाहिरी फोर्स हेट लग रोटेशन जो थो सो रोटेशन क्लॉकवाइज एक्स ऑफ रोटेशन इतने सो एक्स ऑफ रोटेशन में राइट हैंड ग्रिप था क्यों रोटेशन जो डायरेक्शन आ क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव टार्क पैदा कर माना टार्क जो डायरेक्शन अंदर होंगे हाँ एतरो ही जोर अस फर्स एतरो ही फोर्स वरी बी एंड फर्स सस्पेंड था क्यों एतरी वेट है डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 80 न्यूटन आर टू जो केतरो टोटल
यानी यह लेंथ टोटल आए घनी बवा एक मीटर जाहिर या 0.5 मीटर आर वन आए तो 0.5 मीटर 0.5 मीटर या ही पासो आए तो ही फोर्स वरी इनके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराई एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी बीता आए तो असो आउटवर्ड यो पॉजिटिव टॉर्क पैदा कर क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव टॉर्क The sum of all torques is equal to zero. The sum of all torques is equal to so e torque. So torque 1 is equal to R on a force into arma force. E force e arma force. Torque number 2 is equal to force arma force force W2 into arma force W R2. Baba wait you should have force I. वेट की सूरत में फोर्स ओरिजन का यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का उन पॉइंट ते जिते फोर्स लगे तो फोर्स इतने तो लगे ओरिजन का उन पॉइंट ते जिते फोर्स तो लगे तो ये आर्म ऑफ फोर्स आ ये फोर्स आ वेट की सूरत में आणि एकड़ो टॉर्क है जो क्लॉकवाइज रोटेशन यो नेगेटिव टॉर्क आ आणि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो ये फोर्स पैदा करे यो पॉजिटिव टॉर्क ओके तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल यानी टा वन जो माइनस में आ प्लस टा टू तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल यानी टा वन चाहे बाबा टा वन आए डब्ल्यू वन इंटू आर वन प्लस नेगेटिव वैल्यू आ ओके प्लस टा टू चाहे डब्ल्यू टू इंटू आर टू तो दैट इज इक्वल सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल माइनस 80 into 0.5 plus 80 into 0.5 okay the sum of all torques is equal to 0 it is not 40 minus 40 plus 40 40 40 may cancel sum of all torques is equal to 0 mana hani outward torque inward torque कैंसिल थिया हाँ ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ न सिस्टम ये तो रोटेट करे न सिस्टम ये तो रोटेट करे तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल जीरो थिया हाँ ये तो थियो समास दा सांगी भाई वेट सांगी मिले ले पर जिगर सा ये वेट अगते पोते के हो ता का एकडे पास इन आर्म ऑफ फोर्स पूछे ए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई थी ता के खबर आ असा ही अगते पोते करे समुदा वेट सकते पोते करे समुदा हाँ मिसाल असानी प्रॉब्लम तो अचे मिसाल अड़े किस्म जो असानी चे तो वे तो बाबा यूनिफॉर्म रॉड देयर इज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ टोट पिवोटेड एट इट्स सेंटर हैविंग टोटल लेंथ 1 मीटर लॉन्ग A weight of alarmia yar one jika thindi weight of 70 newton misal asange 70 newton weight jika w1 is suspended yaar total gani above total 1 meter and w1 70 newton weight is suspended at हाँ जाहिर सेंटीमीटर में वैल्यू बाकी इतने थी वही 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर थे वही इतना का डेस था इतना हम 50 सेंटीमीटर थे चाहे टोटल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ओके हाँ जगह असा के बाबा 70 न्यूटन वेट सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर्स आर वन 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन फ्रॉम ओरिजन आणि 30 सेंटीमीटर माना 0.30 मीटर्स ओके ठीक है ये तो हाउ मच वेट शुड बी सस्पेंडेड टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हाउ मच वेट डब्ल्यू टू इज इक्वल टू व्हाट हाउ मच वेट शुड बी सस्पेंडेड टू सस्पेंड to satisfy second condition of equilibrium at other side from the origin
ये तो ओरिजिन का बी साइड थे असा केतरी अच्छा एट 40 सेंटीमीटर अवे एट 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन एट अदर साइड जो टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हाउ मच वेट शुड बी सस्पेंडेड एट अ पॉइंट व्हिच इज 40 सेंटीमीटर व्हिच इज 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन एट अदर अदर साइड एंड ओरिजिन का अदर साइड थे 40 सेंटीमीटर थे ये 40 सेंटीमीटर माना आनी आर टू इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के तो हिते केतरी वेट सस्पेंड के डब्ल्यू टू जी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई थे माना सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू जीरो साबित ये कंडीशन असा सेटिस्फाई कर दिया तो असा ॾिसो हिन पासे जेको टार्क आहे टा वन जेको निगेटिव टार्क हूंदो छाकाणि जो क्लॉक वाइज रोटेशन पैदा कंदो इहो हूंदो डब्ल्यू वन इन टू आर वन पर हिन पासे जेको टार्क हूंदो टार टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इन टू आर टू असांखे डब्ल्यू टू खपे त हाणे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करणी आहे त सम ऑफ ऑल टार्क्स ॿिन्ही पासे टार्क बराबरि करणु सिंस असांखे ख़बर आहे डब्ल्यू वन आर वन हिकिड़े पासे वारो टार्क बराबरि करिणो आहे ॿिए पासे वारे टार्क जे ओके त ही ॿिन्ही पासे वारो टार्क असांखे बराबरि बैलेंस करिणा आहिनि असांखे खपे छा थो असांखे खपे थो पियो डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वन इन टू आर वन अपॉन आर टू त डब्ल्यू टू इज़ इक्वल टू हाणे डब्ल्यू वन आहे 70 इन टू आर वन आहे तव्हांजो 0.30 ओवर आर टू जेको आहे उहो आहे तव्हांजो 0.40 40 सेंटीमीटर माना 0.40 मीटर्स 0.40 मीटर्स ओके हाणे डब्ल्यू टू इज इक्वल हिनखे यानी 70 इन टू 0.30 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 52.5 डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 52.5 न्यूटन इन टू मीटर ओके हाणे असांखे हिते जेका वेट सस्पेंड करणी पवंदी उहा 52.5 न्यूटन इन टू मीटर अचो ॾिसूं टार्क ॿिन्ही पासे साॻियो थिए थो वञे त हिन पासे वारो टार्क कीअं थींदो त टार्क टू इज़ इक्वल फोर्स यानी फोर्स इन टू आर्मा फोर्स जेका 0.40 आहे ऐं वेट छा आहे 52.5 0.40 ओके ही ॿई मल्टीप्लाई कयो हेॾां वारो अंग ऐं हेॾां वारो अंग हेॾां वारो टार्क इज़ इक्वल डब्ल्यू वन इन टू आर वन डब्ल्यू टा वन इज़ इक्वल डब्ल्यू वन 70 आहे इन टू 0.30 ॾिसो ही टार्क निगेटिव टार्क ऐं पॉज़िटिव टार्क साॻा थियनि त तव्हां जवाबु ॾिसंदो त हीउ बि तव्हांजो जवाबु जेको आहे सो साॻियो अचे होॾां वारो जवाबु साॻियो अचे त इहो तव्हांजो जवाबु थो अचे पियो 70 इन टू 0.3 दैट इज़ इक्वल टू 21 ही टार्क थियो टावर इज़ इक्वल टू 21 न्यूटन इन टू मीटर सॉरी हीउ रुगो न्यूटन थींदो वञे माना वेट आहे ओके ऐं हेॾां वारो टार्क जेको साॻियो थींदो वञे 52.5 इन टू 0.4 ओके दैट इज़ इक्वल टू 21 न्यूटन इन टू मीटर त हीउ हिकिड़ो नेगेटिव हिकिड़ो पॉज़िटिव टार्क आहे उहो नेगेटिव टार्क आहे ॿई कैंसिल थींदा समा पाल टार्क इक्वल टू 0 थी वियो त अहिड़े नमूने सां इहे तव्हांखे यानी अहिड़े क़िस्म जा प्रॉब्लम्स तव्हांजे नोट्स में बुक्स में हूंदा इन्हनि ते प्रैक्टिस करे छॾिबी हाणे मिसाल हिकिड़ो असां हिन लेक्चर खे हिते बंदि था कयूं वरी असां ईंदड़ लेक्चर में बि हिकिड़ो ॿ प्रॉब्लम ॿियो बि हल कयूं था पिया त जीअं असांखे थोरो हिन जी अप्रोच थिए पई ठीकु आहे बाबा तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु कजो अलाह हाफ़िज़।